हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश गुरु। और डियर, आज हम आपके लिए लेकर आए 50 डेली यूज इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज। डियर, यहाँ पे आपको वो सेंटेंस मिलेंगे जो हम डेली अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं, और ये आपकी स्पोकन इंग्लिश सीखने का एक स्मार्ट वे है। स्मार्ट वे कहने का मतलब कि आपको ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये सेंटेंसेज देख लें, और ये सेंटेंसेज अगर आप याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, और आप बहुत अच्छे से इसका यूज करना सीख लेंगे। डियर, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इंग्लिश गुरु कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सर्च कीजिए, या तो आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे रेड बटन होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब बटन आएगा, उस पर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो डियर, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के सेंटेंसेज आपको मिलने वाले हैं। तो डियर, आज का पहला सेंटेंस है, मैं उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। आप इस तरह के सेंटेंस बहुत बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं इसका इंग्लिश क्या होता है। इसकी इंग्लिश होती है आई डोंट बिलीव हिम एट ऑल। आई डोंट बिलीव हिम एट ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, वो जो मर्जी कहे मैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो मर्जी कहे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी सी इस तरह के सेंटेंसेज आप यूज़ करते हैं, और डेली अपने लैंग्वेज में इस तरह की बातें हम बोलते हैं, अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। कैसे बोलेंगे इस इंग्लिश में? आई डोंट केयर वॉट दे से। आई डोंट केयर वॉट दे से। वो जो मर्जी कहे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डियर, अगर आप चाहते तो से दे की जगह आप ही रख सकते हैं, और ही की जगह से की जगह सेज रख सकते हैं, ही सेज, ये भी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ूं। अभी 10th के एग्ज़ाम होंगे, 12th के एग्ज़ाम होंगे, उनके बाद समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को क्या पढ़ें। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई डोंट नो वॉट टू स्टडी। आई डोंट नो वॉट टू स्टडी। नेक्स्ट है, मुझे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करना पड़ा। डियर, जब आप बोलते हैं मुझे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करना पड़ा, इट मीन्स मैं नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ा। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसे? आई हैड टू डिक्लाइन हिज ऑफर। आई हैड टू डिक्लाइन हिज ऑफर। नेक्स्ट है, मैं निकम्मा हूँ। खुद के लिए कभी यूज नहीं करते, बट जनरली हम लोग यूज करते, दूसरे के लिए जरूर करते, वो बिल्कुल निकम्मा है। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम गुड फॉर नथिंग फेलो। आई एम अ गुड फॉर नथिंग फेलो। अगर हमें वह के लिए बोलना होगा तो बोलेंगे ही इज अ गुड फॉर नथिंग फेलो। नेक्स्ट है, यहाँ पर मुश्किल से कभी बारिश होती है। आप इंडिया के वैसे रीजन में, वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ कभी कभार बारिश होती है, तो आप क्या बोलते हैं? यहाँ पर मुश्किल से कभी बारिश होती है। कैसे बोलेंगे? इट हार्डली एवर रेन्स हियर। इट हार्डली एवर रेन्स हियर। नेक्स्ट देखते हैं, यह मुझे बहुत मजेदार लगती है। यूज करते हैं सेंटेंसेज, आई होप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या इस तरह के सेंटेंसेज आप डेली यूज करते हैं या नहीं करते हैं। इट सीम्स इंटरेस्टिंग टू मी। इट सीम्स इंटरेस्टिंग टू मी। नेक्स्ट है, सब लोगों के लिए, यहाँ डियर एक छूट गया वर्ड, यह सब लोगों के लिए एक समान है। यह सब लोगों के लिए एक समान है। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इट्स सेम फॉर एवरी वन। इट्स सेम फॉर एवरी वन। यह सबके लिए एक समान है। मेरे बॉस हाँ नहीं कहेंगे। सपोज आप इम्प्लॉय लोग बैठ करके एक कोई प्लान बना रहे हैं, बट सबका बॉस अलग अलग है, तो बोलते हैं कि यार मेरा बॉस है जो हाँ नहीं कहेगा। कैसे बोलेंगे? माई बॉस विल नॉट से यस। माई बॉस विल नॉट से यस। नेक्स्ट है, जहाँ आप चाहें इसे रख दीजिए। कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ उस तरह के सेंटेंसेज आपको मिल जाते हैं, जहां आप चाहें इसे रख दीजिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लेस इट वेयर एवर यू लाइक। प्लेस इट वेयर एवर यू लाइक। नेक्स्ट है, उसको कहानी पहले से ही पता थी। देखेंगे डियर, इस तरह के सेंटेंस आप बहुत यूज़ करते हैं, और बार बार कह रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा और बताइए हमें ज़रूर, क्या इस तरह की इंग्लिश आप बोल पाते हैं? कैसे बोलेंगे? शी ऑलरेडी न्यू द स्टोरी। She already knew the story. मैंने तो मजाक के तौर पे कहा था, आप सीरियस ले लिए। कैसे बोलेंगे इसे हम? I meant it as a joke. I meant it as a joke. मेरे ख्याल से तुम सही हो। बहुत अच्छे इस तरह के कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। I think you are right. I think you are right. मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। कैसे बोलेंगे? I admit I was wrong. मैं मानता हूँ कि मैं गलत था।
मतलब अभी मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उस वक्त गलत था, आई एडमिट आई वॉज रॉन्ग, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। कैसे बोलेंगे, आई नेवर कम बैक, आई नेवर कम बैक। हम शॉर्ट में स्पोकन इंग्लिश में यूज करते तो बेहतर होगा कि हम पूरा ना बोल के शॉर्ट में ही बोले, आई नेवर कम बैक। फोन बज रहा है क्या? देखिए जैसा हिंदी आप यूज करते मैंने वैसा हिंदी भी लिखा है, अदरवाइज इसका जो सही रूप होगा वो होगा क्या फोन बज रहा है, बट हम लोग ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते फोन बज रहा है क्या। कैसे बोलेंगे, इज द फोन रिंगिंग, इज द फोन रिंगिंग। इंग्लिश सेम होगा जो इंग्लिश जिस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। यह मुफ्त का है, ले जाइए इसे, कोई दिक्कत नहीं है, यह मुफ्त का है। कैसे बोलेंगे इसे, इट इज फ्री ऑफ चार्ज, इट इज फ्री ऑफ चार्ज। कुछ लोग कॉस्ट भी बोलते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लो, अगर आप लेट हो रहे हो तो आपके बॉस बोलते हैं आप टेंशन मत लो, काम पहले ऑफिस का करो, मैं आपको घर आपके छोड़ दूंगा। कैसे बोलेंगे, आई विल टेक यू टू योर होम, आई विल टेक यू टू योर होम, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह लाल कपड़े में थी, यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जो भी कपड़े पहनी थी, डैट इज ऑल रेड। कैसे बोलेंगे, शी वॉज इन रेड, आपको नहीं लिखना आगे ड्रेस साड़ी कुछ भी आगे आपको नहीं लिखना है, शी वॉज इन रेड, शी वॉज इन ब्लू, आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारी मुलाकात गलती से हो गई, इट मीन्स हम कभी आपसे मिलना नहीं चाहते थे लेकिन गलती से हमारी मुलाकात हो गई। कैसे बोलेंगे, आर मीटिंग वॉज क्वाइट एक्सीडेंटल, आवर मीटिंग वॉज क्वाइट एक्सीडेंटल। इस परिस्थिति में कठोर कदम उठाने होंगे, लाइक अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ उस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर हो, जहाँ पे हम लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, एडमिनिस्टर लोग यूज़ करते हैं कि कुछ अगर कोई काम करना हो, लाइक आप किसी भी तरह के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि कोई सिचुएशन वैसा पैदा हो गया है, तो वहाँ पे बोलते कठोर कदम उठाने होंगे। कैसे बोलेंगे, द सिचुएशन कॉल्स फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, द सिचुएशन कॉल्स फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। नेक्स्ट है, वह अफवाह किसी हद तक सच है, अब जैसे कोई बातें सुनते हैं तो लगता है कि अफवाह है, लेकिन माइंड में एक चीज़ और चलते रहती है कि लगता है शायद ये चीज़ें सच हो सकती है। कैसे करेंगे, द रीमर इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, द रीमर इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक रीमर है जो सही है। नेक्स्ट है, मानो या ना मानो, उसके तीन बच्चे हैं, सबसे छुपा के रखी है, बताती नहीं कि उसके बच्चे वगैरह हैं, ना वो मैरिड है, या मैरिड मान लो सबको पता है लेकिन ये नहीं पता है कि उसके बच्चे भी हैं, तो हम क्या बोलते, मानो या ना मानो उसके तीन बच्चे हैं। कैसे बोलेंगे, बिलीव इट और नॉट शी हैज थ्री चिल्ड्रन, बिलीव इट और नॉट शी हैज थ्री चिल्ड्रन। सभी उसकी अच्छाई करते हैं, समझे, सभी उसकी अच्छाई करते हैं। एवरी वन स्पीक्स वेल ऑफ हिम, मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि उसकी अच्छाई की बातें करते हैं, ठीक है, एवरी वन स्पीक्स वेल ऑफ हिम। हो सकता है कि उसकी कहानी सच ना हो, ठीक है डियर, बहुत यूज करेंगे हम इस तरह के सेंटेंसेज। हिज स्टोरी मे नॉट बी ट्रू, हिज स्टोरी मे नॉट बी ट्रू, हो सकता है उसकी कहानी सच ना हो। क्या यह अफवाह सच हो सकती है, क्या यह अफवाह सच हो सकती है, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन कि ये जो अफवाह फैली है क्या सच हो सकती है। कैसे बोलेंगे, कैन दिस रीमर बी ट्रू, कैन दिस रीमर बी ट्रू। नेक्स्ट है, यह क्या बकवास है, कोई चीजें आप करना चाह रहे हो और कुछ उल्टे पुल्टे तरीके से कर देते तो बोलते ना क्या बकवास कर रहे हो। कैसे बोलेंगे, वट इज दिस नॉन सेंस, वट इज दिस नॉन सेंस, उनका मजाक मत उड़ाओ, बहुत अच्छा इंपेरेटिव सेंटेंस है और बहुत यूज भी करते हैं हम लोग। डोंट मेक फन ऑफ देम, डोंट मेक फन ऑफ देम, उनका मजाक मत उड़ाओ। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, इन द फाइटिंग हम लोग यूज करते हैं, अगर मान लो दोस्त हो कभी फाइट वगैरह हो बोले ना तुम्हारी दया मुझे नहीं चाहिए। कैसे बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट योर पिटी, आई डोंट वॉन्ट योर पिटी, मैं इसे अपने आप करना चाहता हूँ, मैं किसी की हेल्प लेना नहीं चाहता हूँ। कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, वो बहुत बक बक करती है, होता ना कोई टकेटिव टाइप की होती है बहुत ज़्यादा, जब मिलो जब वो बातें करना शुरू बहुत ज़्यादा बोलती है, तो उसे बोलते ना बहुत बक बक करती है। शी प्रैटल्स ऑन एंड ऑन, शी प्रैटल्स ऑन एंड ऑन, वो बहुत बक बक करती है। नेक्स्ट है,
मुझे उसकी मुस्कान अच्छी लगती है, कैसे बोलेंगे? आई लाइक द वे शी स्माइल्स, आई लाइक द वे शी स्माइल्स। डियर, तो ये सारे सेंटेंसेस थे आपके इम्पोर्टेंट जो हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं। और डियर, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ इस तरह के सेंटेंसेस हमें और चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर इस तरह के सेंटेंसेस हमें और चाहिए। इन नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सेंटेंस जो डेली यूज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।